हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 11 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और इस क्लास में भी हम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ मैसूर हु ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल पावर। मैसूर के उस शासक की पहचान कीजिए जो मुगल सत्ता से अलग हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपको ध्यान होगा हैदर अली का बेटा ही था ये। इसने एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। वो एंग्लो मैसूर वॉर्स क्या थे, कौन कौन से थे, उनके अंदर क्या क्या हुआ, ये हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल इसमें अभी थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं कि टीपू सुल्तान ये मैसूर का राजा था और ये रॉकेट आर्टिलरी के अंदर एक पायनियर रोल इसने प्ले किया। इसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस भी अपने रूल के अंदर ये लेके आया, इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि नया कॉइनेज सिस्टम, नया कैलेंडर, नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री काफी ग्रो कर गई। साथ ही साथ ये जो रॉकेट्स थे, इसने ये रॉकेट्स डिप्लॉय किए ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट और उनके एलाइज के अगेंस्ट एंग्लो मैसूर वॉर्स के अंदर। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जरूर कवर करेंगे, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका आंसर है आपके पास, आपका है ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर थे ये सिख्स के, ये 9वें गुरु थे और इनको बहादुर टाइटल जो है इनके पिता जो कि 6ठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद, इन्होंने दिया था, क्योंकि ये तलवारबाजी में इन्होंने काफी अच्छा हुनर और काफी बहादुरी दिखाई थी। और बाद में जब ये आनंदपुर में सेटल हुए तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनको सच्चा बादशाह कहना शुरू किया। सच्चा बादशाह मतलब ट्रू किंग। इनको जैसा कि आपको ध्यान होगा औरंगजेब ने मरवा दिया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर इशूड मजरनामा इन विच ईयर। अकबर ने किस वर्ष में मजरनामा जारी किया? तो ये 1582 में तो इसने दीने इलाही की स्थापना की थी। 1575 में इसने इबादत खाना बनाया था। 1576 के अंदर आपको ध्यान है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर है 1579 के अंदर मजरनामा इसने डिक्लेयर किया, जिसका मतलब इनफेलिबिलिटी डिक्री। इसने इसको प्रोवाइड किया कि सुप्रीम पावर दे दी रिलीजियस मैटर्स के अंदर। इसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये उलेमा औरों की जो ताकत है ये कम हो सके इसके ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा। फिर इसने अपना दीन इलाही धर्म भी लेके आया खुद का नया, तो ये इस डिक्री ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसको लिखा किसने था, ये इसको लिखा था फैजी ने इन 1579 एडी, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 एडी में। ड्यूरिंग द डेक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर द जाट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स बाय। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान किसने जाटों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सूरजमल। ये महाराजा सूरजमल या फिर सुजन सिंह एक हिंदू जाट रूलर था। कहां से? भरतपुर राजस्थान से। हमारे राजस्थान में भरतपुर एक जगह है, वहां से है। और जाट से ये सूरजमल के अगेंस्ट इन्होंने एक मुगल छावनी पर अटैक कर दिया था, लेकिन फिर जब मुगल आर्मी ने एम्बुश किया तो उसमें इनकी डेथ हो गई। इसमें इनको मार दिया गया था दिसंबर 1763 में हिंडोन नदी के पास शाद्रा दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मुस्लिम अटैकर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज। वह मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार, जिसको हम बख्तियार खिलजी भी कह देते हैं। तो इसने नालंदा को भी डिस्ट्रॉय किया था और इसने विक्रमशिला को भी डिस्ट्रॉय किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ कबीर इज नॉट करेक्ट। कबीर की शिक्षाओं में से के विषय में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल लव, वह सार्वभौमिक प्रेम में विश्वास करते थे। दूसरा, ही वॉज नॉट अगेंस्ट पिलग्रिमेज एंड आइडल वर्शिप, वह तीर्थ यात्रा तथा मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं थे। तीसरा,
ही डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू अबैंडन द नॉर्मल लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, वह सामान्य गृहस्थ जीवन के त्याग को अनिवार्य नहीं मानते थे। या चौथा, ही एम्फेसाइज्ड ऑन वन गॉड एंड द स्प्रेड ऑफ डिवोशनलिज्म, उन्होंने एक ईश्वर पर जोर दिया तथा भक्तिवाद का प्रसार किया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज नॉट अगेंस्ट पिलग्रिमेज एंड आइडल वर्शिप, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनके दोहों से ही आपको पता लग जाता है। जैसे इनका एक दोहा था, माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, करका मन का डार दे मन का फेर। या फिर दूसरा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इन दोहों से ही पता लगता है कि ये आइडल वर्शिप, ये मूर्ति पूजा इन आडंबरों के खिलाफ थे। तो ये ऑप्शन आपका फिर इनकरेक्ट है। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज टेकन अवे इन 1739 बाय, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में कौन लेकर चला गया था? पहला, अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली, दूसरा पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह, तीसरा मंगोल इन्वेडर चंगेज खान, या चौथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह। इसने मोहम्मद शाह के टाइम इन्वेड किया था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते थे। तो ये पीकॉक थ्रोन, जिसको कि तख्त ए ताऊस कहते थे पर्शियन फारसी भाषा के अंदर, ये मुगलों की ये तख्त थी, ये थ्रोन थी। नादिर शाह ने मुगल एम्पायर में 1738 के अंदर अटैक किया और 1739 में ये ओरिजिनल पीकॉक थ्रोन और कई सारे ये ट्रेजर को लेके चला गया और इसने बहुत ज्यादा यहाँ की वेल्थ को नुकसान पहुंचाया। बहुत ज्यादा लूट के गया था ये मुगल खजाने को और इससे इंडिया की जो वेल्थ थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था नादिर शाह के लूटने पे। और इसने ये मुगल्स की वल्नरेबिलिटी भी एक्सपोज कर दी थी सबको। तो इसके बाद मराठास और ब्रिटिश ने भी फिर मुगल्स के खिलाफ सर उठा दिया था। ड्यूरिंग विच बैटल डिड नादिर शाह डिसाइसिवली डिफीट द मुगल आर्मी, किस लड़ाई के दौरान नादिर शाह ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था? तो आइए देखते हैं सभी ऑप्शंस को एक एक करके। तो ये पानीपत का तीसरा जो बैटल था ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठा एम्पायर, जो कि सदाशिवराव भाऊ के अंडर थे उस टाइम कमांडरशिप में, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था ये। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। बैटल ऑफ वाई हिंद अपन ने पता है, महमूद ऑफ गजनवी वर्सेस जयपाल के बेटे आनंदपाल के बीच में, तो ये भी आपका सही नहीं है। हल्दी घाटी का हमें पता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, तो ये भी सही नहीं है। तो आपका आंसर सही कौन सा बच गया फिर? बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल 24 फरवरी 1739 में ये लड़ा गया था और एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी इसमें नादिर शाह की, जबकि नादिर शाह की आर्मी 6:1 से आउट नंबर थी। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, इतनी ह्यूज आर्मी होते हुए भी मोहम्मद शाह हार गया था नादिर शाह से, वो भी सिर्फ 3 घंटों में। व्हाट वॉज द नेम ऑफ हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, अकबर के द्वारा निर्मित प्रार्थना कक्ष का नाम क्या था? तो अकबर के द्वारा निर्मित प्रार्थना कक्ष का नाम था इबादत खाना। इबादत खाना जैसे मैंने आपको बताया 1575 सीई के अंदर बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। इसने रिलीजियस गैदरिंग, कई सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे डिफरेंट फेथ्स के, उनको बुला के उनके अंदर उनके आपस में डिबेट करवाने के लिए था। इनिशियली इसने खाली सुन्नी मुस्लिम्स के लिए रखा था, लेकिन बाद में आपस में ये तूतू मैमून में स्टार्ट हो गई तो अकबर ने फिर हिंदूज, रोमन कैथोलिक्स, यहां तक कि नास्तिकों को भी बुलाया यहां पे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकबर ने इतनी अच्छी इंटेलेक्ट दिखाई और अकबर खुद इलिटरेट था। तो रिलीजियस लीडर्स कई सारे आते थे दूसरे दूसरे, मतलब इसके एम्पायर्स में से, कई सारे एम्पायर्स में से, यहां तक कि जो इसके एम्पायर्स में से जा रहे होते थे वो भी यहां पे इनवाइट किए जाते थे हर थर्सडे को डिस्कशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टैक्स दैट इंक्लूडेड हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, इरिगेशन टैक्स एटसेट्रा, निम्न में से कौन सा वह कर था जिसमें गृह कर, चराई कर, सिंचाई कर आदि शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अबवाब्स। तो ये मुगल इंडिया में ये सभी ये टेम्परेरी और सर्कमस्टेंशियल यानी कि मिसलेनियस, मिले जुले टैक्सेस जो थे और इंपोज जो किए गए थे उसको ये कहते थे अबवाब। इसके अंदर ये
सारे के सारे ये इररेगुलर जो टैक्सेस थे, जैसे हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, इरिगेशन टैक्स, इसमें लगाए जाते थे ताकि ये कोई भी एक्सीजेंसी आए, कोई भी इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो जाए ये सरकार के लिए, तो उस टाइम इसको फंड को आप यूज ले सकें, तो इस चीज के लिए ये अबवाब रखा गया था। कृष्णदेव राय वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। कृष्णदेव राय का रेंज चला था 1509 टू 1529 और बाबर का रेंज चला था 1526 टू 1530, तो ये कंटेम्प्रेरीज हो गए। और बाबर जब इंडिया में आया था तो उसने कभी बताया था सबसे पावरफुल किंग एट दैट टाइम अपने सब कॉन्टिनेंट में कृष्णदेव राय थे विजयनगर एम्पायर के। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉन एज निर्गुण रिफॉर्मर, निम्न में से एक निर्गुण सुधारक के नाम से किसको जाना गया, तो अपने सबको पता है निर्गुण सुधारक थे अपने कबीर जी, क्योंकि कबीर जी ये भगवान के किसी रूप में विश्वास नहीं रखते थे, ही बिलीव इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। तो इनको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया मूर्ति पूजा नमाज देने और इन सब के खिलाफ थे ये दो, मैंने आपको दो ही थोड़ी देर में बताए भी थे। तो इन्होंने बताया कि आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए और इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम कहते हैं कबीरपंथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो पहला भक्ति आंदोलन आपका आयोजित किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। ये अपने एंशियंट तमिलनाडु से भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था जब नॉर्थ इंडिया इस्लामिक रूल के अंडर थी। रामानुजाचार्य ने कौन सी फिलॉसफी दी थी, वो थी विशिष्टाद्वैत की, तो ये विशिष्टाद्वैत की फिलॉसफी दी थी। और कौन से आचार्य ने कौन सी फिलॉसफी दी ये हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर कवर करेंगे, उसकी भी आप चिंता मत कीजिए। कई सारे हुए थे जैसे माध्वाचार्य और भी कई सारे हुए, तो उन्होंने कौन कौन सी दी, शंकराचार्य वगैरह ने कौन सी फिलॉसफीज दी, ये हम आगे जाके कवर करेंगे, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द रेवेन्यू फॉर द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को राजस्व की प्राप्ति निम्न में से किससे होती थी, तो दिल्ली सल्तनत को राजस्व की प्राप्ति होती थी आपके ऑप्शन नंबर सी खराज से। तो आइए फिर थोड़ा सा हम ये डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस जो उसमें लिखे हुए थे ऑप्शंस में उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। जो ये खराज है ये एक इंडिविजुअल इस्लामिक टैक्स है एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर। जजिया जो है वो ये पर कैपिटा ईयरली टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स के ऊपर जो कि मुस्लिम जो रूल के अंदर रहते थे, ताकि जो स्टेट के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनको ये फुलफिल किया जा सके। कि मुस्लिम्स के ऊपर जो टैक्सेस लगते थे वो थे जकात और खुम्स, ये मुस्लिम्स पे करते थे, जजिया नॉन मुस्लिम्स पे करते थे। खुम्स के अंदर क्या था, ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है मुस्लिम्स को कि 1/5 जो इनकी वेल्थ है उसको ये डोनेट करेंगे फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड कॉजेज। और जकात है इसके अंदर ये आर्म्स देना, ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है इस्लाम के अंदर, ये कुरानिक रैंकिंग में ये जो प्रार्थना के बाद ये सेकंड नंबर इंपॉर्टेंस का है ये। तो जकात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आर्म्स देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स है इनके लिए। तो आई होप आपको ये टैक्सेस सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, खराज, जजिया, खुम्स और जकात, ठीक है। नेक्स्ट, द मीर बख्शी ऑफ द मुगल एम्परर्स वॉज द हेड ऑफ, मुगल शासकों का मीर बख्शी किसका प्रमुख होता था, तो मीर बख्शी होता था आपका आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का हेड। तो ये मुगल रूल में ये मीर बख्शी आर्मी ये मिलिट्री हेड होता था, नोबिलिटी का, इंफॉर्मेशन का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये हेड होता था। और जो दीवान होता था ये इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था और दीवान का कंट्रोल होता था खलीसा और जागीर जो लैंड है उसके ऊपर, ओके। द बहमनी सल्तनत केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान, बहमनी सल्तनत किस सुल्तान के शासनकाल में अस्तित्व में आया था, तो बहमनी का इसमें फाउंडर नहीं पूछ रहा है, सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रख लीजिए। अगर यहां पे अगर मैं आपको काट के दे देता मान लीजिए नन ऑफ दीज, तो आप में से लगभग नन ऑफ दीज लगा देते क्योंकि आप गौर से इसको पढ़ते नहीं और गलत कराते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। ये पूछ रहा है कि उस समय दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन था जबकि बहमनी जो किंगडम है ये एग्जिस्टेंस में आया,
तो उस समय आपका दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उस टाइम तुगलक डायनेस्टी चल रही थी। बहमनी सल्तनत ये पर्शियनाइट मुस्लिम स्टेट थी डेक्कन की साउथ इंडिया में, और मेडिवल इंडिया के ये मेजर किंगडम्स में से एक था। इट वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम इन साउथ इंडिया, और इस एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बहमनी किंगडम को फाउंड किसने किया था, एस्टेब्लिश किसने किया था, तो वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रखना है। विच एमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, शिवाजी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़ आपके ये महाड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है, और ये सह्याद्री माउंटेन रेंज है उसके अंदर पड़ता है। ये चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ ये एक फोर्ट्रेस है, किला है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड कंट्रोल ऑन प्राइस ड्यूरिंग हिज रेन बिकॉज, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में कीमतों पर नियंत्रण क्यों रखा? पहला, ही वॉन्टेड टू गेन पॉपुलैरिटी, वह लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता था। बी, ही हैड मर्सी विद पुअर पीपल, उसे गरीब लोगों से करुणा थी। सी, ही वॉन्टेड टू कीप लार्ज आर्मी एट लोअर एक्सपेंसिस, वह कम खर्च पर बड़ी सेना रखना चाहता था। या डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, वो एक बड़ी आर्मी रखना चाहता था कम खर्चे के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये काफी मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आया था, तो ये उसके रिफॉर्म्स में से ही एक था। इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको कल भी बताई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्सेस और लगाए वगैरह, मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया, लेकिन इसने भी ब्राह्मिन्स पे टैक्स नहीं लगाया था। ब्राह्मिन्स पे सबसे पहले टैक्स किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स लगाया था पहली बार ब्राह्मिन्स पे। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, अ चैरिटी ब्यूरो एंड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार केंद्र, एक दान पुण्य केंद्र तथा एक धर्मार्थ केंद्र की स्थापना की थी? तो वो सुल्तान था आपका ऑप्शन नंबर एक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इसने इंस्टीट्यूट की ताकि कि लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊंचा हो सके। इसने कई सारे रेस्ट हाउसेज जो इन्हें की सराय बोलते हैं वो बनवाए, इसने कई सारे गार्डन्स बनाए, कई सारे मकबरे भी बनवाए, इसने एजुकेशन और जो लिटरेसी है इसको एनकरेज करने के लिए कई सारे मदरसे भी खुलवाए, हॉस्पिटल्स खुलवाए, और इसने फिजिशियंस को यूनानी मेडिसिन के डेवलप करने के लिए भी एनकरेज किया। इसने यहाँ तक कि रुपए भी दिए ताकि जो गरीब घरानों से लड़कियां थी उनकी शादी हो सके। तो फिरोज शाह तुगलक का इस फील्ड के अंदर भी काम था, और जैसा मैंने कल आपको बताया था इसने कैनाल जो रीबिल्डिंग के अंदर भी काफी ज्यादा काम किया था। मुगल मराठा ट्रीटी ऑफ 1719 वॉज कंक्लूडेड इन द टाइम्स ऑफ, 1719 की मुगल मराठा संधि किसके समय में की गई थी? तो वो आपकी की गई थी फारूक शियार के वक्त। उस समय ये बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने सैयद ब्रदर्स के साथ में ये ट्रीटी की थी। इस ट्रीटी के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि फारूक शियार जो कि मुगल एम्परर था वो ये रिकॉग्नाइज करेगा कि शिवाजी के होम डोमिनियंस का जो साहू है वो उसका किंग है, उसके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को रिलीज करेगा और उनको अलाउ करेगा कि चौथ और सरदेश मुखी ये छह मुगल सूबों से ये कलेक्ट कर सके डेक्कन के अंदर। तो ये चीजें इस ट्रीटी के अंदर डिसाइड की गई थी, 1719 के अंदर ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो ये ईयर भी आप याद रखेंगे कि कब ये ट्रीटी साइन की गई थी, तो ये 1719 में साइन की गई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। Who among the following Tomar rulers is credited with founding the city of Delhi? निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना करने का श्रेय जाता है? तो वो आपका जाता है आनंगपाल को। आनंगपाल तोमर ये चंद्रवंशी राजपूत था और ये डिसेंडेंट था सम्राट परीक्षित, ये महाभारत के अंदर जो परीक्षित हुए उनके ये डिसेंडेंट माना जाता था। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने कि इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई। इंद्रप्रस्थ क्या है? ये मॉडर्न डे दिल्ली है। आनंगपाल ने ये फाउंड की 736 एडी के अंदर। विच रीजन वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द बहमानी किंगडम एंड द विजयनगर एम्पायर ओवर विच दे क्लैश्ड फ्रीक्वेंटली? कौन सा क्षेत्र बहमनी साम्राज्य तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच विवाद का कारण था जिसके लिए उन्होंने कई बार संघर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रायचूर दुआब।
ये दुआब क्या होता है? देखिए, दुआब का मतलब है दो नदियों के जो बीच का ही जो जगह होती है वो होती है दुआब। अरे एक ही जब नदी जा रही होती है तभी देखिए इतनी फर्टाइल हो जाती है लैंड, और जो दो नदियों के बीच में होगी तो सोचिए कितनी फर्टाइल लैंड होगी, कितनी उसमें उपज होगी, कितना आपको वहां से रेवेन्यू मिलेगा, कितनी आपकी उसकी प्रोस्पेरिटी होगी। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा इसमें इनका झगड़ा हुआ था इस रीजन के लिए। ये दुआब लैंड ये कहाँ पे पड़ता है आपका? अभी जो तेलंगाना और कर्नाटका के बीच में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा है, इन दो नदियों के बीच में ये पड़ता है, और ये रायचूर टाउन है उसके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है, रायचूर दुआब। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स ब्रॉट अबाउट द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर्स? निम्न में से कौन से मुगल सम्राट द्वारा सैयद बंधुओं का पतन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि ये सैयद ब्रदर्स काफी इन्फ्लुएंशियल हो गए थे, और 1719 से लेकर 1722 तक सैयद ब्रदर्स ने फिर रीजेंट का काम किया मोहम्मद शाह के। लेकिन जब मोहम्मद शाह को खुद लगा कि अब मुझे कंट्रोल चाहिए और दूसरा पावर सेंटर नहीं होना चाहिए, तो इसने फिर सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया ताकि कि पावर इसके खुद के पास आ सके और कोई कल को फ्यूचर में कोई मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसने दोनों सैयद भाइयों को मरवा दिया था। द टर्किश ब्रॉट विद देम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तुर्क लोग अपने साथ कौन से संगीत वाद्य यंत्र लेकर आए थे? तो वो आपके वाद्य यंत्र थे रबाब और सारंगी। वेयर इज द बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड? बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा आपका स्थित है लखनऊ के अंदर। बड़ा इमामबाड़ा इसको बनवाया किसने था? इसको बनाया था असफुद्दौला ने, और ये नवाब था लखनऊ का, इसने बनाया था 1784 के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं असफी इमामबाड़ा भी कहते हैं इसको। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? ये मैंने जैसे बताया था तीसरा बैटल पानीपत का जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ का, जो कि मराठास को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका रीजन क्या था कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया? तो पहला, द फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर ऑफ जलंधर अदीना बेग खान इन्वाइटेड हिम टू इन्वेड पंजाब। जलंधर के निराश गवर्नर अदीना बेग खान ने उसे पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दूसरा, He wanted to punish Mughal administration for non-payment of the revenues of Chahar Mahal, Gujarat, Aurangabad, Sialkot and Pasrur. वह चार महल गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान नहीं करने के कारण मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहता था। तीसरा, He wanted to annex all the fertile plains of Punjab up to the borders of Delhi to his kingdom. वह दिल्ली की सीमा तक पंजाब के समूचे उपजाऊ मैदानों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। या चौथा, ही वॉन्टेड टू एवेंज द एक्सपल्शन बाय मराठास ऑफ हिज वायसरॉय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर। वह मराठों के द्वारा उसके वायसरॉय तैमूर शाह को लाहौर से निकालने का बदला लेना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, वह मराठों के द्वारा उसके वायसरॉय को लाहौर से निकालने का बदला लेना चाहता था। क्या अहमद शाह दुर्रानी, या जिसको कहते हैं अहमद खान अब्दाली, ये दुर्रानी एम्पायर का फाउंडर था, और ये ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ अफगानिस्तान? तो पेशवा बालाजी बाजीराव थे, इन्होंने रघुनाथ राव को भेजा था कि ये तिमुर शाह है उसको वहां से बाहर कर सके, खदेड़ सके, और इस वजह से क्या हुआ कि फिर ये अहमद शाह अब्दाली इंडिया में आया उस चीज का बदला लेने के लिए। द मुगल एम्परर हु डिस्करेज सती वॉज, वह मुगल शासक जिसने सती को हतोत्साहित किया वह कौन था? तो वो था आपका अकबर। इसे तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए, क्योंकि अकबर ही था जिसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए थे। सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स अकबर ने ही लाने की कोशिश की सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कोई सी सोसाइटी हो। ही वॉज अ वेरी लिबरल किंग। तो अकबर ने ये विडो रीमैरिज को एनकरेज किया, चाइल्ड मैरिज है इसको डिस्करेज किया, जो सती की प्रैक्टिस है इसको आउटलॉ किया, और परसुएड किया दिल्ली मर्चेंट्स को कि ये स्पेशल मार्केट लगाएं, डेज लगाएं औरतों के लिए, जो कि अदरवाइज इनको कहा जाता था कि तुम घर पे ही बैठो।
लेकिन सती पे बैन करना इनके जो वॉलेंटरी था, लेकिन इसको भी ओपोजिशन हो गया, जो कि इसके प्रोमिनेंट हिंदूज थे उसके किंगडम में, इंक्लूडिंग सम ऑफ हिज मिनिस्टर्स। तो इसने फिर आगे इसको परस्यू नहीं किया, क्योंकि इतना ज्यादा ओपोजिशन इस प्रैक्टिस के लिए, इस रिग्रेसिव प्रैक्टिस के लिए हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स द मॉन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, निम्न में से किस विकल्प में स्मारक अपने कालक्रम के अनुसार हैं? तो इसका देखें अपने, सबसे पहले आपका आया था कुतुब मीनार, उसके बाद आपका आया था आगरा फोर्ट, यहां तक कि हुमायूं का कोरोनेशन भी आगरा फोर्ट में हुआ था, ठीक है। कुतुब मीनार आपका बनवाया था, आपने पता है स्टार्ट किया था कुतुबद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। फतेहपुर सीकरी बाद में आया क्योंकि इसे अकबर ने बनवाया था। और फिर फोर्थ नंबर आपका ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। तो अपना सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर आगरा फोर्ट, फिर फतेहपुर सीकरी और फिर ताजमहल, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा जो साम्राज्य है उसका दूसरा संस्थापक थे आपके बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये नोटेड जनरल थे और पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर होता था उसे छत्रपति शाहू के अंडर इन्होंने 1720 से लेके अपनी डेथ होने तक एज अ पेशवा इन्होंने काम किया। इन्होंने 41 मेजर बैटल्स लड़े और इनकी रेपुटेशन है कि इन्होंने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। हु वॉज द हिंदू किंग एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम ऑन सिंध, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे जो आक्रमण था उस समय हिंदू शासक कौन था? तो उस समय आपका हिंदू शासक था दाहिर। ये राजा दाहिर ये लास्ट हिंदू रूलर था सिंध का और ये ब्राह्मण डायनेस्टी का एक मेंबर था। 1711 में इसका किंगडम को मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्कर कर लिया। ये बैटल था बैटल ऑफ आरोर, ये इंडस जो नदी है उसके किनारे पे हुआ था, मॉडर्न डे नवाबशाह में, और इसके अंदर इसकी जान चली गई, ये मारे गए थे इस बैटल के अंदर राजा दाहिर। द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन हिज, शेर शाह की महानता उसके किस कार्य में नजर आती है? तो उसकी नजर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी प्रशासनिक जो सुधार है उसमें। शेरशाह को अपने टाइम का बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, जिसने कि सिविल गवर्नमेंट के अंदर काफी इसने एक कुशलता दिखाई। इसका रूल काफी शॉर्ट था लेकिन इसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए और इसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वीनियंस है इसके लिए अपने एम्पायर को 47 डिविजन्स, जिसे कि इसने सरकार्स बोला, उसके अंदर इसने डिवाइड किया था। हु एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया, भारत में पहले इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या मोहम्मद महमूद गजनी था? तो नहीं, महमूद गजनी का काम सिर्फ एक ही होता था, यहां पर आना, लूटपाट मचाना और चला जाना। उसको ना तो एक्सपेंशन से मतलब था, ना उसको कोई धर्म के विस्तार से मतलब था, ना उसको अपने कोई और किसी चीज से मतलब था, कुछ नहीं, उसको सिर्फ पैसों से मतलब था, पैसे लूटे और चला गया। तो महमूद गजनी तो नहीं है ये आपका। दूसरा फिर एक मेन ऑप्शन आपका फिर बचता है मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी आपका सही आंसर पड़ता है। तो इनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो मोहम्मद गौरी जो है वो आपका मेन था। मोहम्मद गौरी ने ही एस्टैब्लिश किया था आपके इस्लामिक एम्पायर, इसने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर हराया था और मुस्लिम एम्पायर इंडिया में फाउंड किया था। एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, इंडिया पे 17 टाइम्स जो अटैक है ये मोहम्मद गौरी ने नहीं किया था, ये आपका किया था महमूद गजनी ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फोकलोर्स कुछ और कहते हैं कि इस पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया और 17वीं बार में जाके पृथ्वीराज चौहान हारा, नहीं ये चीज नहीं है, ये सेकंड बैटल ऑफ तराई के अंदर ही हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया पे 17 टाइम्स किसने अटैक किया था, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में मोहम्मद गौरी देगा, महमूद ऑफ गजनवी भी देगा। आप मोहम्मद गौरी पे लगाया होगे फोकलोर्स के सुन के और आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो नहीं, ये आपका है महमूद ऑफ गजनवी, जिसने 17 टाइम्स अटैक किया था। 16 टाइम इसका था सोमनाथ पे अटैक, जो कि 1025 एडी के अंदर हुआ था। 17th टाइम इसने जो जाट थे उनके ऊपर अटैक किया था।
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, लास्ट टाइम इसने जाटो पे अटैक किया था इंडिया में, तो ये सिग्निफिकेंट बात इस आपको याद रखनी है। नेम द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ विच द सिटी ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर विजयनगर शहर स्थित है, तो वो आपका है तुंगभद्रा। विजयनगर की कैपिटल थी हम्पी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विजयनगर के सबसे पॉपुलर किंग हुए कृष्णदेवराय, ये भी ध्यान होगा आपको, जिनके दरबार में तेनालीरमन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो आक्रमण नहीं किया था, बेसिकली एक बार ये आए थे लेकिन आक्रमण को बचा लिया गया था। किसने, कैसे बचे थे, ये इल्तुतमिश जो था उसके टाइम में ये आए थे, लेकिन आक्रमण से इल्तुतमिश ने बचा लिया, क्योंकि इसने फिर ये ख्वारज़्म शाह और जलालुद्दीन मंगोबानी जो है इनको शेल्टर देने से मना कर दिया था। चंगेज खान इन दोनों का पीछा कर रहा था, तो इल्तुतमिश ने इनको शेल्टर नहीं दी, तो चंगेज खान ने फिर इंडिया पे अटैक नहीं किया, तो इस वजह से अपने इंडिया जो है खासतौर पे दिल्ली सल्तनत इससे बच गई थी, वरना इनकी आर्मी बहुत खतरनाक होती थी, तो बहुत यहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाता। द कैपिटल ऑफ बहमनी किंग्स वॉस, बहमनी शासकों की राजधानी क्या थी, तो बहमनी शासकों की जो राजधानी थी वो थी आपकी गुलबर्गा। जो गुलबर्गा राज्य है इसको फाउंड किया था ये बहमानी सुल्तान्स ने 14th सेंचुरी में, और इसको अपनी राजधानी बना लिया था। ये 1347 से लेके 1425 तक इनकी कैपिटल रही, उसके बाद इन्होंने बिदर को अपनी कैपिटल बना लिया, बिदर इनकी कैपिटल रही 1527 तक। ठीक है, घसीटी बेगम, शाकुतजंग, राजबल्लभ और यार लतीफ खान किसके कट्टर दुश्मन थे, तो ये कट्टर दुश्मन थे आपके सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला इसके घर में काफी दुश्मन हो गए थे, इसीलिए इसके यहाँ पे हार हुई थी बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, घर में ही इसकी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो गई थी। बैटल ऑफ प्लासी कब स्टार्ट, कब हुआ था, 1757 में, ये भी ध्यान है ना, और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में, ये दो डेट्स आपको याद होंगी। मेहरुन्निसा बेगम, जिसे कि हम घसेटी बेगम भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी बेटी थी अलीवर्दी खान की, जो कि बंगाल बिहार और उड़ीसा का नवाब था। जो ये अलीवर्दी खान की जब मृत्यु होगी उसके बाद घसेटी बेगम ने शाकुतजंग, जो कि इसकी दूसरी बहन थी, उसका बेटा था, उसको नवाब बनाने की कोशिश की, लेकिन सिराजुद्दौला है वो नवाब बनने में कामयाब हो गया बंगाल का। और ये राजबल्लभ जो था इसने एक ब्रिटिश को अलाउ किया कि किशन दास, जिसको कि सिराजुद्दौला पसंद नहीं करता था, किशन दास एक हाई रैंकिंग बंगाली ऑफिसर था, उसका बेटा था, उसको कलकत्ता में एंटर करने का इसने अरेंजमेंट करवाया था, जो और उसके किशन दास और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ और फैमिली फॉर्च्यून के साथ। और फिर बल्लभ ने बाद में जो सिराजुद्दौला के जो ओपोजिशन में जो थे लोग, जिसको इसके सक्सेशन के, उनके साथ हाथ मिला लिया था राजबल्लभ ने, तो ये भी इसका दुश्मन था। शाकुतजंग का हम पढ़ ही चुके हैं ये कौन था। चौथा अपना है ये यार लतीफ खान। जो यार लतीफ खान है ये एक चीफ कंटेंडर्स रहा था, जो कि रिप्लेसमेंट सिराजुद्दौला का जो करना चाह रहे थे ब्रिटिश, उसके अंदर जो ये चीफ कंटेंडर्स था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन बाद में मीर जाफर बन गया था, ये नहीं बना था, यार लतीफ खान की जगह मीर जाफर को बना दिया था ब्रिटिश ने, और उसके बाद मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया था। मीर कासिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वॉज रेफर्ड टू एज, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा इसको प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। पेशवा ये था जो आज के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके इक्विवेलेंट, तो एम्परर शिवाजी ने क्रिएट किया ये पेशवा डेजिग्नेशन, ताकि ये इफेक्टिवली ये बहुत ज्यादा बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को ये मतलब कर सकें कैरी आउट, और ताकि क्योंकि उस टाइम मराठा एम्पायर ग्रो कर रहा था, तो इसलिए एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की इनको रिक्वायरमेंट की इनकी जरूरत हुई। हु वॉज द हेड ऑफ द ग्रुप दैट ओपोज द रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया, तो उस समूह का प्रमुख कौन था जिसने जजिया को फिर से लागू करने का विरोध किया था, तो वो था आपका राणा राज सिंह। तो राणा राज सिंह ये मेवार किंगडम का महाराणा था, और इसने औरंगजेब को काफी विरोध किया इन्होंने, और एक किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती उनको भी इन्होंने प्रोटेक्शन दी, क्योंकि ये औरंगजेब जबरदस्ती से उसके साथ उनके साथ शादी करना चाहता था,
और बाद में इन्होंने ही जो राजकुमारी चारुमती थी उनके साथ शादी भी कर ली। तो इन्होंने ये जजिया जो औरंगजेब दोबारा लगाना चाह रहा था उसका ओपोजिशन भी किया था। कुवत उल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाय, कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी कुतुबद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबद्दीन ऐबक, ये आपको ध्यान होगा, ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था, और इट वॉज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली इस्लामिक कंक्वेस्ट के बाद, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ घुरिड आर्किटेक्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कौन सा आर्किटेक्चर था, तो घुरिड आर्किटेक्चर था, और उसका ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मॉन्यूमेंट है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हु ट्रांसलेटेड रामायणा इन टू पर्शियन इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ अकबर, अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये आपका किया था अब्दुल कादिर बदाउनी ने। इन्होंने रामायण का भी ट्रांसलेशन किया था, इन्होंने महाभारत का भी ट्रांसलेशन किया था। महाभारत का ट्रांसलेशन का नाम था रज़मनामा, ये भी आप याद रखेंगे। महाभारत पर्शियन में किस नाम से ट्रांसलेट की गई थी? रज़मनामा से, ठीक है, ये भी याद रखना है। बट ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, तो अकबर के जो भी रिफॉर्म्स थे इनको ये नापसंद थे, और जो एलिवेट करते थे ये हिंदूज को हाई ऑफिसिस में अकबर, उसको भी बदाउनी बहुत नापसंद करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण देव राय मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द, कृष्ण देव राय के मित्रतापूर्ण संबंध किसके साथ थे? तो वो उनके थे पुर्तगाली पोर्चुगीज के साथ। तो कृष्ण देव राय ने ये पोर्चुगीज के साथ बहुत ही मित्रतापूर्वक संबंध रखे, और पोर्चुगीज जो डोमिनियन है उसको सेटअप होने, ये जो हुआ था गोवा में सेटअप हुआ था 1510 के अंदर, और ये कृष्ण देव राय है इन्होंने गन्स और ये अरबी घोड़े लिए पोर्चुगीज मर्चेंट से, और जो ये पोर्चुगीज एक्सपर्टीज ली इन्होंने वाटर सप्लाई इम्प्रूव करने के लिए अपने विजयनगर सिटी के अंदर। तो ये पोर्चुगीज के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे। हाउ मैनी टाइम्स डिड अहमद शाह अब्दाली इन्वेड इंडिया, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये आपका था 9 बार। ये महमूद गजनवी ऑफ गजनवी ने कितनी बार किया था? तो वो था 17 बार, ये भी याद रखना है। द सूफी सेंट हु मेंटेन दैट डिवोशनल म्यूजिक वॉज वन वे ऑफ मूविंग क्लोजर टू गॉड वॉज, वह सूफी संत जिन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक संगीत ईश्वर के समीप जाने का एक मार्ग है, तो वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा फरीद। बाबा फरीद जिनका कि असली नाम था फरीदुद्दीन मसूद, तो इन्होंने अपने आपको ये एक किया कि म्यूजिक जो है इससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, ये इन्होंने कहा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा इज्जत वाले और सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश मेडिवल सूफी सेंट्स में से एक है, ठीक है। अमीर खुसरो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, हिज अकाउंट कवर्स 5 सुल्तान्स, पॉइंट आउट द वन ही डज नॉट कवर। अमीर खुसरो आरंभिक मध्ययुगीन भारत के महानतम लेखकों तथा कवियों में से एक थे। उनके वृत्तांत में 5 सुल्तानों का उल्लेख है, उस सुल्तान का नाम बताइए जो इनके वृत्तांतों में से शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि अमीर खुसरो की डेथ हुई थी 1325 में, और 1325 में ये मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना थे, ठीक है। द सिख गुरु हो रोट जफरनामा इन पर्शियन वॉज, वह सिख गुरु जिन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था, तो वो कौन थे? तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ये लेटर जफरनामा लिखा था औरंगजेब को 1707 में। तो ये उस टाइम सिखिज्म का बहुत ही बुरा काल था, गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों के मारे जा चुके थे, इनके जो भी ज्यादातर सिख जो थे उस टाइम या तो इधर उधर मतलब कि स्कैटर कर दिए गए थे, या फिर युद्ध क्षेत्र में वे उनको शहीद हो गए थे। इस लेटर में इन्होंने भगवान की इन्होंने काफी भी प्रेज की, और ये बैटल जो चमकौर का जो हुआ उसके बारे में जिक्र किया, और ये दिखा बताया कि औरंगजेब ने ये वादा किया था कि वो सिखों पे हमला नहीं करेगा, और उस वादे से ये मुकर गया, तो उस बात का भी इन्होंने इसमें जिक्र किया। आप सबने ये लाइंस तो शायद सुनी भी होंगी, चिड़िया ते में बाज तड़ाऊं, गिदड़ा ते में शेर बनाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
विच ऑफ दीज वॉज द कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, निम्न में से कौन सा मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण था? तो वो आपका था जो ये कई सारी जो कम्युनिटीज थी जैसे सिक्स, जाट्स, राजपूत, इन्होंने ये मुगल्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिए थे, तो ये इनके डाउनफॉल का रीजन बना। तो है ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक था आपका सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने ये अपने 1504 के अंदर आगरा शहर बसाया और इसको अपनी कैपिटल फिर दिल्ली से आगरा 1506 में इसने शिफ्ट कर दी। और सिकंदर लोदी की डेथ के बाद फिर इसके बेटे जो इब्राहिम लोदी ने सत्ता संभाली, वहीं से रूल किया इब्राहिम लोदी ने भी। और इब्राहिम लोदी अपने ध्यान है बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 बाबर से हार गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कब बना था ये? 1504 के अंदर। कैपिटल कब शिफ्ट की? 1506 में। ये डेट्स भी आजकल क्या एग्जाम्स में आने लग गई है, जैसे से थोड़े डेप्थ देखने लग गए हैं, एग्जामिनर चाहते हैं कि थोड़ा डेप्थ में नॉलेज टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो डेट्स भी आप याद रखें। विच मुगल ऑफिसर हेल्प्ड हुमायूं कैप्चर द फोर्ट ऑफ चुनारगढ़ फ्रॉम शेरशाह, शेरशाह से चुनारगढ़ किला छीनने में हुमायूं की सहायता किस मुगल अधिकारी ने की थी? तो वो है आपका रूमी खान। तो रूमी खान ये टर्किश जनरल था जिसको कि मुगल एम्पायर में जिसने सर्व किया, और चुनार फोर्ट जिसको कि चंद्रकांता चुनारगढ़ या चारा नादरी जो कहते हैं, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। द सिख गुरु हु रोट गुरु नानक्स बायोग्राफी वॉस, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ये थे आपके गुरु अंगद देव। तो ये जो सेकेंड सिख गुरु थे गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी जो लिपि है इसको इंट्रोड्यूस किया और ये सभी सिखों को फिर इसमें फैला दिया गुरुमुखी को। और इन्होंने गुरु नानक जो थे उनके बारे में कई सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए भाई बालाजी से और उनकी पहली बायोग्राफी लिखी। और इन्होंने 63 श्लोक भी लिखे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कल भी हम मेडिवल हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।